आपके सुझाव इसलिए भी जरूरी है कि इस देश का व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हम आपको जितना प्रोत्साहन दे सके वो कम है। साथियों, आज आपके सुझावों की वजह से ही लोगों के दैनिक इस्तेमाल की ज्यादातर चीजों पर टैक्स जीरो है, ज्यादातर चीजों पर 98% चीजें 18% से कम के स्लैब में है। वहीं छोटे छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर दिया और 40 लाख रुपए कर दिया है। 1.5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली इकाइयां 1% दर भुगतान की कंपोजिशन योजना का फायदा उठा रही है। हम इस प्रक्रिया को लगातार सरल बना रहे हैं। आपके इसी सहयोग से पिछले 5 साल में देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 65 पायदानों की छलंग मार करके 77वें स्थान पर आ गया है। और मुझे एक दिन वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का फोन आया बधाई देने के लिए। इस बात के लिए कोई वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री को फोन करे, कोई लॉजिक नहीं था। मैंने कहा आपका इतना उत्साह क्यों है? बोले देखिए मोदी जी, एक डेवलपिंग कंट्रीज और इतना बड़ा देश इतना बड़ा जंप लगाए, ये दुनिया में कभी हुआ नहीं। और मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं। आने वाले 5 साल के भीतर भीतर बहुत ही जल्द हम 50वें स्थान पर आना चाहते हैं। और ऐसे में मेरे छोटे कारोबारियों के लिए व्यापार को आसान कर हम अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। साथियों, कारोबारी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने का एक असर ये हुआ है कि अब युवा भी अपने बिजनेस को विस्तार देने के लिए नए नए तरीके सोच रहे हैं। वरना नई पीढ़ी पिताजी को कह रही थी कि पिताजी मैं ये आपकी दुकान चलाने वाला नहीं हूं, मैं कुछ और करूंगा। आज उल्टा होने लगा है जी, उसमें वो नई जान भरने लगा है, नए आइडिया लेकर के आ रहा है। पहले सरकार की एजेंसियों की दखलअंदाजी के कारण युवा वर्ग व्यवसाय से जुड़ने से बचता था या अपना कोई नया काम शुरू कर देता था। अब डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने से, तमाम नियमों में परिवर्तन करने से, जीएसटी की वजह से आई सरलता से अब युवाओं की तमाम दिक्कतें दूर हुई है। इसके अलावा उन्हें मुद्रा योजना से भी मदद मिल रही है। इस योजना के जरिए 4.5 करोड़ से ज्यादा नए कारोबारियों को बिना गारंटी कर्ज दिया गया है। कोई गारंटी नहीं, पहले तो सर्टिफिकेशन के लिए भी 50 चीजें देनी पड़ती थी। मैं रुपये देता हूं, भरोसे पर देता हूं जी। हमने कारोबारियों का लेखा जोखा रखने में छूट की सीमा को 2 गुना से ज्यादा कर दिया है। भीम ऐप से लेकर के डिजिटल लेन देन का लाभ व्यापारियों को मिले, इसकी भी व्यवस्था बनाई है। साथियों, भाजपा की हमेशा सोच रही है कि देश में कारोबारियों को आसानी से पैसा मिले, सस्ती दर पर कर्ज मिले, कैश फ्लो बना रहे, मार्केट मिले, अच्छी तकनीक मिले और सरकारी दखल कम हो। छोटे कारोबारियों में सुरक्षा की भावना जागे। हम कारोबारियों को कर्ज मिलने में बहुत सी दिक्कतों को तकनीक से खत्म कर रहे हैं। अब आपको 59 मिनट लोन पोर्टल से 1 करोड़ तक का लोन
एक घंटे के कम समय में मिल रहा है। बैंक में भी जाना नहीं पड़ रहा है, यानी जितनी देर में लोग अपने घर से बैंक जाने के बारे में सोचते थे,